नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बालू खनन को लेकर। प्रदेश में बालू खनन को लेकर राज्य सरकार अब नई तैयारी शुरू करने जा रही है। बता दें कि प्रदेश की खान एवं भूतत्व विभाग बहुत ही जल्द 29 जिलों में बालू खनन का कार्य शुरू करने जा रही है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश में बालू खनन राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रदेश में पहले 29 जिलों में बालू खनन का कार्य होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन जिलों में खनन पर रोक लगा दिया गया था। वर्तमान की बात करें तो मात्र 16 जिलों में ही बालू खनन का कार्य किया जा रहा है, जबकि 13 जिलों में बालू खनन के कार्य पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में अब राज्य सरकार इन 13 जिलों में एक बार फिर से बालू खनन की तैयारी शुरू करने जा रही है। विभाग यह मानता है कि सभी जिलों में अगर बालू खनन का कार्य शुरू होता है तो 30-40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि राजस्व का बालू एक बहुत बड़ा हिस्सा जरिया है, यानी कि बालू से जो है बिहार सरकार राजस्व के रूप में एक बहुत बड़ा हिस्सा लाती है। लेकिन 2 साल पहले तक 24 जिलों में बालू खनन का कार्य होता था, लेकिन अब सिमट कर यह एक तिहाई जिलों में ही रह गया है। बता दें कि साल 2019 में राज्य सरकार ने 24 जिलों में बालू की बंदोबस्ती की थी। यहाँ पर बालू खनन का काम चल रहा था, लेकिन वर्ष 2020-2024 के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं मिली थी। लिहाजा राज्य सरकार ने वर्ष 2015-2019 के बालू बंदोबस्तियों को बंदोबस्ती राशि में 50% बढ़ोतरी के साथ 2020 के लिए बालू घाटों के संचालन को अधिकार सौंप दिया। लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद मात्र 14 जिलों में ही बंदोबस्ती या फिर कहने की बालू घाटों के संचालन के लिए तैयारी हो पाई। शेष के लिए बालू खनन करने से साफ मना कर दिया, यानी कि एक तरह से कह लें कि राज्य सरकार ने जब बालू घाटों में पैसे की वृद्धि कर दी तो वहाँ पर जो है बालू खनन पे साफ तौर पे रोक लगा दिया गया। वहीं अगर हम बात कर लें वर्तमान में बालू बंदोबस्तीधारियों की बात करें तो साल 2021 के लिए 1 अप्रैल से फिर से बंदोबस्तियों की पुरानी राशि में 50% में बढ़ोतरी के साथ 6 माह के लिए बालू घाटों के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, लेकिन इस नियम को मानने से 5 जिलों ने साफ तौर पर मना कर दिया। इससे पहले जनवरी में गया में बंदोबस्ती के लिए पहले ही काम छोड़ दिया था। ऐसे में राज्य सरकार ने नए बंदोबस्तियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन एनजीटी की रोक के कारण बालू खनन की प्रक्रिया अटक गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश में नए सिरे से बालू खनन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि प्रदेश के इन 29 जिलों में खनन होना है, यानी कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पे बालू खनन पहले होता था लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है वहां पे रोक लगाई गई है। तो जो सबसे ज्यादा एक तरह से कह लें कि जिन जिन जिलों में बालू खनन का काम होता था उसमें पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, बांका, लखीसराय, नवादा, किशनगंज, वैशाली, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर, अरवल, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, मोतिहारी, मधुबनी, सिवान, सुपौल, सहरसा, गोपालगंज, पूर्णिया और कैमूर है। यहाँ हो रहा है खनन, यानी कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ वर्तमान में अभी खनन का कार्य जारी है, जिसमें नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल, ये वो जिले हैं जहाँ पे वर्तमान में बालू खनन का काम जारी है, यहाँ बंद है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पे एनजीटी के फैसले के बाद से एक बार फिर से जो है बालू खनन का काम शुरू होने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। उन जिलों में जो है गया, पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई और लखीसराय है। इन जिलों में कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में ही जो है बालू खनन का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार जो है यह मान रही है कि हम एक बार फिर से जो है वही 29 जिले जो है वहां पे हम फिर से बालू खनन का काम शुरू कर सके, ताकि जो है इनका राजस्व एक बार फिर से बढ़ सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।